फैसला कर रखा है कि मर्दों को तो हमसे पर्दा करना चाहिए, लेकिन हम अगर पर्दा करती हैं, पर्दा नहीं करती, झांक झांक कर उनको देख दीजिए, हमारे लिए जायज है। अब ये शादी होती है ना, बारात आ रही है, सारे मोहल्ले की औरतें जो है ना अपने मकानों को छत पर खड़े होकर देख रहे दूल्हा कैसा है, दूल्हे को देख रही है। अब अगर दूल्हा देखे ऊपर उठाकर मुंह, वो जो बैठी है वो कैसी है, इशारा जायज है, सब जूते मारेंगे। तो उस औरत को जूते क्यों नहीं मारते जो जो है देख रही है, उसके लिए वो गैर मारम नहीं है। मेरे भाइयों, औरतें जो है ना ये दूल्हा देखना है, मुंह देखना है, हाँ जी, ये इतना नजायज मामला है, इतना नजायज मामला, अल्लाह माफ फरमाए, इसी से जो आगे सारी की सारी परेशानियां बढ़ती हैं। तो ये कोई शरी मसला नहीं है कि औरत के लिए तो मर्द को देखना जायज हो लेकिन मर्द के लिए देखना नाजायज हो, दोनों के लिए मसला एक जैसा है, लिहाजा औरत मर्द को देखे ये भी नाजायज है और मर्द औरत को देखे तो ये भी नाजायज है।